श्री गोसाई जी के प्रथम लाल जी श्री गिरधर जी। श्री गिरधर जी का प्रागट्य देवरक में हुआ था। अड़ेल श्री वल्लभाचार्य के निज गृह में की बैठक में कार्तिक शुक्ल 12 मंगलवार के दिन हुआ था। श्री गिरधर जी का उपन्यास काशी में ही हुआ था। आप श्री का विवाह माघीशेष शुक्ल 15 के लगभग गोकुल में ही हुआ था। आप श्री की बहू जी का नाम श्री भामिनी जी है। श्री गिरधर जी के 3 पुत्र हुए एवं 3 कन्याएं हुई जिनके नाम इस प्रकार है। प्रथम पुत्र श्री मुरलीधर जी, द्वितीय पुत्र दामोदर जी, तृतीय पुत्र गोपीनाथ जी तथा 3 पुत्रियों के नाम श्री वेणी बेटी जी, श्री महालक्ष्मी बेटी जी, श्री सुभद्रा बेटी जी। श्री गिरधर जी के द्वितीय पुत्र दामोदर दास जी तिलकायती हुए। द्वितीय लाल जी श्री गोपीनाथ जी को श्री मथुरेश प्राप्त हुए एवं प्रथम गृहाधिपति भी श्री गिरधर जी को प्राप्त हुआ। श्री गिरधर जी के ज्येष्ठ पुत्र मुरलीधर जी को तिलकायत का पद नहीं मिल पाया, कारण कि आपसी युवा अवस्था में ही लीला में पधार गए थे। श्री गोसाई जी के आशीर्वाद से श्री गिरधर जी का वंश सबसे ज़्यादा फला फूला। इनकी वार्ता इस प्रकार है कि श्री गोसाई जी की द्वितीय बहू जी भी जब जल्दी लीला में पधार गए तब सप्तम लाल जी श्री घनश्याम जी की अवस्था बहुत छोटी थी, अतः श्री गिरधर जी की बहू जी श्री भामिनी जी ने ही उनका पुत्रवत पालन किया। इससे अति प्रसन्न होकर श्री गोसाई जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी कोख सदा हरी भरी रहेगी। श्री गिरधर जी द्वारा रचित प्राचीन वार्ता साहित्य के अनुसार श्री गोसाई जी की आज्ञा से विद्यमंडल ग्रंथ में पूर्व पक्ष आपश्री ने ही उपस्थित किया था। इससे स्पष्ट होता है कि विद्वत्ता बेजोड़ थी। अन्य ग्रंथों में आपके 2 ग्रंथ प्राप्त होते हैं, उत्सव निर्णय घन मंत्र टीका एवं गोवर्धन श्रीनाथ जी की श्रुति के केवल 3 श्लोक। श्री गिरधर जी के कुल 5 बैठक हैं, श्री मदन गो कुल में हैं। इसी स्थल पर विराजकर आपश्री ने गोसाई जी से सम्मुख उन्हीं की आज्ञा से विद्योमंडल ग्रंथ में पूर्व पक्ष उपस्थित किया था। गोपालपुरा जो जतिपुरा कहा जाता है में है, जो मथुरेश जी के मंदिर में स्थित है। कामर में जो एक साधु के मंदिर की गुफा में स्थित है। नरी सेमरी यहाँ पर आपश्री ने 6 मास तक अवचित विराजकर श्रीमद् भागवत की कथा करी थी। कामवन श्रीकुंड पर है। आपश्री श्रीमद् गोकुल में देह लीला प्रवेश किया था। श्री गोसाई जी की लीला प्रवेश करने के बाद आपश्री गद्दी पर विराजे। उस वक्त आपश्री की उम्र 45 वर्ष की थी। सम्राट अकबर ने शाही फरमानों द्वारा श्री गोसाई जी के नाम थे गोपालपुरा, जतिपुरा तथा गोकुल के जमींदारी के अधिकारी प्रदान किए थे एवं गौचारण के लिए विशाल भूमि उपलब्ध कराई थी। जय श्री कृष्ण।